मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दुर्दशा देख काफी व्यथित नजर आए। आपको बताते चले कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 5000 बेड के अस्पताल के रूप में तैयार करना है। मकसद से मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुआयना करने पहुंचे, जहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत को देखकर वह काफी दुखी हुए। मुख्यमंत्री ने वरीय अधिकारियों से बात करते हुए अपनी नाराजगी जताई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जगह जगह टूटे पड़े हैं, पानी की सीपेज की दीवारें झड़ रही हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2015 से 16 से लेकर वर्ष 2020 से 19 तक स्टेडियमों की मेंटेनेंस, सुरक्षा आदि में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च हो चुकी है, लेकिन मुख्य स्टेडियम के अंडर पथवे में जमा पानी पिछले 5 वर्षों से एक मोटर के इंतजार में जस का तस पड़ा है। इस स्टेडियम के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सीसीएल की है को दी गई, लेकिन सीसीएल के द्वारा इसके रखरखाव में भारी लापरवाही बरती गई। मुख्यमंत्री वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और मेंटेनेंस आदि की रिपोर्ट भी तलब की गई। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि सरकार ने राज्य में कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर रखी है। पहले तो बहुत ही कम टेस्ट हुआ करता था, तो मरीज भी नहीं मिलते थे, पॉजिटिव भी नहीं मिलते थे, और अब भी इतने बड़े पैमाने में 8000-9000 प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से लोगों को चिन्हित होना लाजमी है। और इसको लेकर जो लोगों में एक डर भय है कि अस्पतालों में बेड की कमी है, तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है, वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार इस संक्रमण में सभी पहलुओं पर पैनी नजर रखी हुई है और आने वाला समय में एहतियातन के तौर पर राज्य में किसी तरीके का कोरोना संक्रमित मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग उनके रखरखाव के लिए जगह चिन्हित कर रहे हैं। इसको लेकर अभी लगभग 3-4 हजार लोगों की कैपेसिटी की जगह तलाशी जा रही है और उन सब जगहों पर कैसे मरीजों को रखा जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कैसे उपलब्ध हो, उन सभी चीजों पर विभाग काम में लग गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, 5 साल गुजर जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन पानी वैसा का वैसा ही जमा हुआ रहता है, वो भी सिर्फ एक मोटर के चक्कर में। देखिए, निश्चित तौर पे जो ये मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो स्थिति आप देख रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे थे। दरअसल कोविड की जो स्थिति, कोरोना की स्थिति प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर के जो कोविड के मरीज हैं उनको आइसोलेट करने के लिए बेड के लिए जगह तलाशी जा रही है। तो ऐसे में राजधानी रांची में जो ये मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर तकरीबन 5000 बेड तक की व्यवस्था की जा सकती है। तो यहाँ पर बेड की व्यवस्था की गई थी और आज उसी का निरीक्षण करने के लिए सीएम पहुंचे थे और इस दौरान जो स्टेडियम की स्थिति देखी, उसकी हालत पर उन्होंने काफी नाराजगी जताई। जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनको उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए और इसके बाद जो जो मेंटेनेंस की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को भी तलब किया है। देखिये नवीन, ऐसे में एक सवाल और उठता है कि 5 साल गुजर जाते हैं, 5 साल में 60 करोड़ रुपया आता है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन एक मोटर का पैसा नहीं जुट पाता है, आखिर क्यों? कमी किसकी, चूक किसकी, गैर जिम्मेदार रवैया किसका? देखिए, इस
जो 60 करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में खर्च हुए हैं वो विभिन्न मदों में खर्च हुए हैं, मेंटेनेंस सुरक्षा को लेकर के, मेंटेनेंस को सुरक्षा को लेकर के ये खर्च हुए हैं। और चूंकि स्टेडियम का रख रखाव सीसीएल के पास है, तो अब सीसीएल के पास स्टेडियम का रख रखाव, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके रख रखाव में बड़ी लापरवाही हुई है। आज सीएम ने इस पूरे मामले को देखते हुए आपने देखा कि पैसे पर पानी जमा हुआ है, जो वाल है उस पे सीटेज के कारण वो ढह रहे हैं, तो अब इसको लेकर के सीएम अच्छा नीचे का जो फर्श है वो टूटा हुआ है। और मैं बता दूं कि मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रांची की एक बहुत बेहतरीन, आप कह सकते हैं कि बेहतरीन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में से एक, और इसके रख रखाव में इतनी बड़ी लापरवाही, और पिछले 5 सालों में इतना करोड़ खर्च हो चुका है। सरकार ठीक है, पहले हेमंत की सरकार ने इसी पूर्व की जो सरकार थी, पूर्व में जो बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उनने क्या किया या फिर उनके कार्यकाल में ही ये राशि आवंटित किए गए थे, उनके कार्यकाल में ही ये 60 करोड़ रुपए अगर आवंटित किए गए थे तो 60 करोड़ रुपए आखिर खर्च कहाँ हुए, बीच में जमाखोरी कहाँ हुई, कमीशन खोरी कहाँ हुई। अब देखिए इतनी बड़ी, इतनी अच्छी स्टेडियम, मेगा स्पोर्ट स्टेडियम आप देखिए, तो नवीन ये कहा जा सकता है कि आखिर वो किसकी तिजोरी में गया कि वो निश्चित तौर पर सवाल उठ रहा है कि कमीशन खोरी और ये तमाम तरह की चीजों में इतना पैसा आया इसके मद में, मेंटेनेंस में, रखरखाव में, और सुरक्षा मेंटेनेंस और रखरखाव में इतने करोड़ रुपए की खर्च हो गई। हालांकि देखिए कोविड पेशेंट को रखने के लिए जो बेड की व्यवस्था की जा रही है, हालांकि बेड की व्यवस्था वहां की गई थी और इसके अलावा भी कई जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन आज अचानक से जब ये खबर सामने आई तो निश्चित तौर पे सीएम बहुत व्यथित थे इसको लेकर के। उन्होंने पूरा रिपोर्ट तलब किया इसके रखरखाव और मेंटेनेंस को लेकर के, किस कंपनी को मेंटेनेंस दिया गया, खर्च कितना है, कितने में करार हुआ है, तमाम तरह की फाइलों को तलब किया है उन्होंने। और उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया को संबोधन में, हालांकि उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि चूंकि झारखंड में कोरोना के केस ज्यादा हो रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए हम अभी से बेड की व्यवस्था में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेड उपलब्ध हो ताकि आने वाले समय में राजधानी के लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। हालांकि कांग्रेस में अभी 5,000 बेड की व्यवस्था है, हो सकता है इसको बढ़ाई जा सकती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया नवीन आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए।